CDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. भीवापुर में हुई पेट्रोल पंप संचालक की हत्या के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। बेटी ने ही पिता की सुपारी देकर उसे मौत के घाट उतारने की जानकारी इस मामले में सामने आई है। नागपुर के दिघोरी निवासी व पेट्रोल पंप संचालक दिलीप सोनटक के हत्याकांड में बेटी द्वारा पिता की हत्या की सुपारी देने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस कस्टडी में हत्याकांड की असल रचयिता मृतक की बेटी का नाम लिया है। हत्या के आरोप में भीवापुर पुलिस ने दिलीप की बेटी सर्वेश नगर नागपुर निवासी प्रिया किशोर माहुरले सोनटक के उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार किया है। प्रिया को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस प्रकरण में मुख्य आरोपी बड़ा ताजबाग निवासी शेख अफरोज उर्फ इमरान मौलाना शेख हनीफ उम्र 33 वर्ष, खरबी निवासी मोहम्मद वसीम उर्फ सोनूलाल मोहम्मद अंसारी उम्र 28 वर्ष और शेख जुबेर शेख कयूम उम्र 25 वर्ष बड़ा ताजबाग निवासी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिलीप के कुछ महिलाओं से संबंध थे, इससे घरेलू वातावरण खराब हो गया था और वो शराब का आदी था। घर में पत्नी और बेटी के साथ मारपीट करता था। इस बीच माँ बेटी को डर सताने लगा कि कहीं वो उन्हें ही न मार दे। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मृतक की बेटी ने बड़ा ताजबाग निवासी अफरोज से संपर्क कर उसे 5 लाख रुपए की सुपारी दी, जिसमें पैसे काम होने के बाद देने की बात हुई थी। आरोपी बेटी द्वारा पूरे षड्यंत्र को रचने के बाद ही अफरोज ने दोनों साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। ये बात जांच में सामने आई है। ये कार्रवाई ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संदीप पखाले के नेतृत्व में की जा रही है। भीवापुर के मर्डर में 3 आरोपी जिन्होंने ये हत्या की है वो तो पुलिस के कस्टडी में उसी दिन आ गए थे। उसके बाद में तपास में ऐसा निष्पन्न हो रहा है कि जो विक्टिम है, मायत जो है, उनकी बड़ी बेटी का जो है इसमें कॉन्स्पिरेसी में हाथ है, ऐसा हमको निष्पन्न हो रहा है। वी हैव प्रॉपर एविडेंस अगेंस्ट दैट। तो हमने बड़ी जो उनकी बेटी है विक्टिम की, उनको अभी ताबे में लिया है। शी हैज़ बीन अरेस्टेड। आगे का हमारा वेरिफिकेशन चालू हो रहा है एंड बाकी बड़ी बेटी के अलावा किसी और का भी अगर इन्वॉल्वमेंट है क्या, इस चीज़ को लेके भी हम आगे तपास कर रहे हैं। जैसा अगर एकाधा कोई निष्पन्न हुआ, वो चाहे फैमिली का ही सदस्य हो या एकाधा बाहर का व्यक्ति हो, उसको भी हम अटक करके आगे का कार्रवाई करेंगे। बड़ी बेटी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है एंड प्राइमा फेसी हमारा शक्यता ये है कि इट इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड जो भी इनहेरिटेंस है, यानी उनके पिताजी के ऊपर में जो भी पैसे प्रॉपर्टी धन वगैरह है उसको लेके शायद मेन रीज़न हो सकता है। सेकेंडरी रीजन्स प्रॉब्ली डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स, इनके आपस में जो डिस्प्यूट रहा होगा वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह लग रहा है। शक्यत हम वेरीफाई कर रहे हैं बट प्रिलिमिनरी जो हमें पता चला है कि 4 या 5 लाख का ऐसा बात हुआ था आरोपी और उनकी वो बड़ी बेटी जो है उनका, और इनका दोनों का संपर्क जो है एक मध्यवर्ती है उसके मार्फत से हुआ है ऐसा बता रहे हैं। अब मध्यवर्ती को पता था कि ये पूरे कॉन्स्पिरेसी को के बारे में, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। अगर उनको पता है एंड उनका भी इसमें एक्टिव रोल है तो हम उनको भी आरोपी बनाएंगे, नहीं तो फिर उसके उनके ऊपर में क्या कार्रवाई कर सकते हैं वो हम वेरीफाई करेंगे। NBCN News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट। Enroll now for more details call